बागपत पुलिस के हफ्ते चढ़े 10-10 हजार के दो इनामी बदमाश। बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर गांव से पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बड़ौत के ढिकाना गांव में हुई विजेंद्र प्रधान की हत्या के बाद से दोनों फरार चल रहे थे, जिन्हें मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ लिया गया है। दोनों बदमाशों पर बागपत पुलिस द्वारा 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। दोनों बदमाश ढिकाना गांव के रहने वाले हैं, जिनके नाम अक्षय पुत्र विजयपाल व सागर पुत्र पवन है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इनामी बदमाशों के पास से एक CMP 12 बोर, 6 जिंदा कारतूस, एक CMP 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर के बरामद किए हैं। बता दें कि 1 जून को ग्राम ढिकाना में विजेंद्र प्रधान की हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में बड़ौत कोतवाली में अपराध संख्या 361-20 में धारा 302, 307, 504 व 34 IPC में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और तभी से दोनों अभियुक्त फरार चल रहे थे। फिलहाल पकड़े गए दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और दोनों के आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। देखिए, बड़ौत थाने के अंतर्गत एक गांव ढिकाना है, वहां पर एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, विजेंद्र करके थे, उनकी गोली मार करके हत्या हुई थी, जिसमें 3 लोगों का नाम आया था। एक व्यक्ति को तो पकड़ लिया गया था, लेकिन 2 जो उसमें अपराधी थे, सागर और अक्षय, वो तब से फरार चल रहे थे। लगातार हम लोग दबिश कर रहे थे, पुलिस टीमें बनी हुई थी, लेकिन ये अकाउंट फरार नहीं हो पाए थे, तो इनके ऊपर हमने 10-10 हजार रुपये का इनाम दिया था। ये कल मलकपुर तिराहे से मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार किया गया, उनके पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इनको जेल भेजा जा रहा है और जो भी आवश्यक कार्रवाई इनकी बनती है वो की जा रही है। क्या उनके इनाम थे दोनों? जी, 10-10 हजार रुपये के दोनों के इनाम थे।